गल रवनीत बिट्टू वर्सिस कांग्रेस की है। राहुल गांधी के बयान तो शुरू हुई जबानी जंग हुण नैक्सट लैवल ते ही पहुँच रही है। ध्रुवीकरण की सियासत तो शुरू हुई यह जंग हुण जानो मारन दियां धमकियां ते आ पहुंची है। रवनीत बिट्टू ने राहुल नूं अतवादी आख्या तां कांग्रेसियां तों इह बर्दाश्त नहीं होया। अते अगों केंद्रीय रेलवे राज मंत्री रवनीत बिट्टू दा सिर कलम करन वाले लई एक एकड़ दा इनाम ऐलान दिता। ऐलान कीता तेलंगाना तों कांग्रेसी एमएलए वेदम्मा बोजू ने। धमकी वाली वीडियो खुद रवनीत बिट्टू ने सांझी कीती। कांग्रेस ते तिखा शब्दी हमला करदियां लिखिया 1984 तो 1924 कांग्रेस नहीं बदली। वो उदों भी सिखां दा लहू लोचदे सी ते अज भी लोचदे ने। खड़गे जी मुहब्बत दी दुकान। ये धर्म से जुड़ा आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मेरी तो है ये ऐसी बात कोई भी सच ना निकले, ये कोई भी ऐसा जहां जिससे आस्था में चोट लगे किसी के, क्योंकि हम लोग भी वहां जाते हैं, हर धर्म का वहां पे जाके नतमस्तक होता है। हाँ, अगर ये हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है, अभी इसकी इंक्वायरी होगी तो उसको तो वेलकम करना ही चाहिए, बट ऐसी चीज। हालांकि ये धमकियां की शुरुआत भाजपा आगू तरविंदर मरवाहा तो हुई सी, जिन्होंने राहुल दा दादी वाला हाल करन दी गल आखी सी। उधर कंगना रनौत ने भी राहुल ते शब्दी हमला करदियां कहा है कि राहुल दी सोच देश दे टुकड़े करन वाली है। अब देखिए, जिस तरह से अभी भी आप राहुल गांधी जी फॉरेन जाते हैं, उनको कुछ लोगों को जो है वो यूज़ किया जा रहा है, इसमें भड़काया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, फ्रिंज ग्रुप्स को जो है इंस्टिगेट किया जा रहा है, और आप जानते हैं किस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो अभी भी वो फॉरेन जाते हैं तो किस तरह की देश को लेकर किस तरह की वो बातें करते हैं, आपने वो भी देखा हुआ है। तो क्या उनको देश को लेके उनकी क्या भावनाएं हैं, वो किससे छुपी हैं? वो तो अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं वो हिचकिचाते हैं, तो ये आप जानते हैं कि उनकी क्या भावना है। उधर सिख भाईचारे वालों राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली दे विच कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया गया। ये पूरा एपिसोड राहुल गांधी दे ध्रुवीकरण वाले बयान तो शुरू होया, जिथे राहुल ने सिख भाईचारे दी उदाहरण दिंदे कहा कि आज लड़ाई ऐसे गल दी है कि उन्हां नूं गुरु घर जाण दी इजाजत होवेगी जां नहीं। चर्चा तां ध्रुवीकरण ते होनी चाहिदी सी, पर यह लड़ाई धमकियां ते आ पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।